ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट देंगे। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, पट्टन के पोलिंग स्टेशन पर पथराव हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पट्टन के पलहालन में हुए पथराव की जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। एक महिला इसकी चपेट में आ गई है, जख्मी हो गई है। पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही खबरें आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के मद्देनजर माहौल को बिगाड़ने की, स्थिति खराब करने की कोशिश की जा सकती है, तो उसको लेकर के पट्टन में ये खबर सामने आई जहां पर पथराव होना शुरू हो गया, एक महिला जख्मी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि बिना स्थिति खराब हुए शांतिपूर्ण ढंग से चुनावों को करवा लिया जाए, और उसके मद्देनजर लोग अपने घर से बाहर भी आए। चुनाव बहिष्कार की बात भी पीछे थोड़े दिन पहले सुनने को मिली, लेकिन बावजूद इसके लोग घर से बाहर निकल रहे थे और वोट डाल रहे थे। लेकिन पट्टन के पलहालन में पथराव शुरू हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं चुनावों के मद्देनजर, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने की बात गवर्नर रूल में राष्ट्रपति शासन में की गई और पूरी तरीके से तैयारियां भी की गई, चाहे सुरक्षा बलों को, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को पहुंचाना हो, परसेंटेज बढ़ाना हो, लेकिन बावजूद इसके ये खबर सामने आ रही है पट्टन के पोलिंग स्टेशन पर पथराव शुरू हो गया है, पत्थरबाजी हो रही है, चपेट में बहुत से लोग आ गए हैं, एक महिला जख्मी भी हो गई है, खबरें सामने आ रही हैं। तो चुनाव के दौरान की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुबह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी तरीके की गतिविधि ऐसी हो सकती है, नकारात्मक गतिविधि ऐसी हो सकती है,